తెలంగాణపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాంపల్లి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. బీజేపీ డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. నల్ల బ్యాడ్జీలు కట్టి నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ నరేంద్ర మోడీ వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभाकर साहब के अंडर में आज हमारे पूरे डिवीजन के प्रेसिडेंट सीनियर लीडर्स पूरे जमा हुए. आज हम लोग मोदी साहब के खिलाफ आज हम यहाँ पे ब्लैक फ्लैग होस्ट करते हुए हम उनको कंडम करते हुए कल जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोले वो बहुत गलत बोले. ये हमारे तेलंगाना का मनोभावना को बहुत ठेस पहुँचा. 14 साल हम लोग लड़के झगड़ के हमारे इतने स्टूडेंट्स बलिदान हुए. ये सब जनों का बलिदान के बाद हमारा तेलंगाना मिला. हमारा तेलंगाना आज पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल हो गया कि तरक्की में गुजरात को भी बहुत पीछे छोड़ दिया. ये मोदी साहब परसों यहाँ आए थे हेलीकॉप्टर से देखे उनको समझ में नहीं आया कि तेलंगाना में हैदराबाद इतना तरक्की कर रहा कि तेलंगाना इतना तरक्की कर रहा. आज उन्होंने जाके पार्लियामेंट में ये गलत बात कर रहा बहुत बुरी बात है. तेलंगाना तरक्की करा बोल तो हमारे केसीआर के साहब के सोच के तरफ से तरक्की करा तो तरक्की करना कोई बुरी बात है क्या? हम इंडिया में नहीं है क्या? हम तेलंगाना के देश के हक में नहीं रहते क्या? मगर मोदी साहब हमारे को फंडिंग में भी बहुत नज़रअंदाज कर रहे. हमारा फंड हमको नहीं दे रहे. हमारा GST हमको नहीं दे रहे. हमारा कोई भी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बोलते. कोई भी प्रोजेक्ट भी दूसरे कंट्री में करे तो दूसरे देश में अपने देश में दूसरे स्टेट वाले करे तो उनको कहेगी अच्छा बोलते. पंजाब को एक तरीके से देखते, तेलंगाना को एक तरीके से देखते. हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे, रिजर्वेंट्स बड़े सोप करे, मगर ये सोप प्रोजेक्ट्स को कभी नेशनल प्रोजेक्ट बोल के डिक्लेयर नहीं करते. तो हमारे मोदी साहब हमेशा तेलंगाना को दूसरी नज़र से देखते. कल उनको अपने बातों से जाहिर करे कि तेलंगाना को दूसरी तरह से देखता हूँ. सही है बोल के वो साथ जाहिर करें. उन्होंने माफ़ी मांगना हमारे तेलंगाना प्रजा से. इसलिए हम आज ये जोड़स से भी उनका पुतला जलाए और हम ऐसे खंडम करते रहेंगे. उन्होंने तेलंगाना को जब तक इंसाफ नहीं करेंगे हम ऐसे धरना करते रहेंगे. हमारा पार्टी जो बोला वो करेंगे. हमारे आज ये कि हमारे KTR साहब आज एक बुलावा दिए कि ब्लैक फ्लैग होस्ट करो. तलसानी साहब, महमूद अली साहब हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए कि आज ये प्रोग्राम करो बल्कि हम प्रभाकर के साथ साथ पूरा मिल. नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभाकर साहब के अंडर में आज हमारे पूरे डिवीजन के प्रेसिडेंट सीनियर लीडर्स पूरे जमा हुए. आज हम लोग मोदी साहब के खिलाफ आज हम यहाँ पे ब्लैक फ्लैग होस्ट करते हुए. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल.